जमशेदपुर की परसुड़ी मकदमपुर फाटक के समीप वीर शहीद खुदीराम बोस पार्क निर्माण कार्य का मंगलवार को जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी ने शिलान्यास किया। दुर्गा पूजा के पूर्व उन्होंने यहां पर साफ सफाई करवाई थी और स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया था कि दुर्गा पूजा के बाद यहां पर पार्क निर्माण कार्य शुरू कराएंगे। दुर्गा पूजा के ठीक बाद पार्क के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया। विधायक ने कहा कि उन्होंने लोगों को क्या वादा पूरा किया है। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में लोगों को जरूरत के अनुसार विकास हो रहा है। जिस स्थान पर जिस चीज की स्थानीय लोगों को जरूरत है उस स्थान पर उसी चीज का निर्माण कराया जा रहा है और जुगसलाई विधानसभा तेजी से बदल रहे हैं। शिलान्यास करने पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने विधायक को जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मल्लिक, मुखिया अरुण का, पंचायत समिति सदस्य मनोज यादव, झामुमो नेता मिथुन चक्रवर्ती आदि उपस्थित थे। क्या है, कितने की लागत से बन रहा और क्या क्या आपको सुविधा दी जाएगी? देखिए, यहाँ तो आप लोगों को भी मालूम होगा कि यहाँ कचरा काम पर हमेशा रहता था और हमारे राजकुमार जी जिला परिषद थे और ये आपका मोबाइल मानिक मलिक जी हमेशा साफ करते थे। तो हम लोग लास्ट दुर्गा पूजा के पहले जो हम लोग सफाई अभियान किए थे उस समय हम लोगों का जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा जी और पूर्णिमा मलिक जी और अनुमय का मुखिया जी और यहाँ के पंचायत समिति वार्ड सदस्य मानिक मलिक जी सारे लोग हम लोगों ने विचार किया कि कचरा हमेशा साफ हम लोग कराते रहते फिर कचरा हो जाता है तो चलो यहाँ में हम लोग पार्क बनाते हैं। सारे लोगों का विचार से और परसुड़ी क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोगों का भी विचार आया कि यहाँ पार्क बनना चाहिए तो हम लोग इस पर शहीद खुदीराम बोस पार्क के नाम से इसको हम लोग आज शिलान्यास किए हैं। अब काम यहाँ बहुत जल्द चालू हो जाएगा और इसमें बहुत सारे व्यवस्था भी रहेगी और इसके साथ साथ ये अभी हम लोग 15 लाख के लागत से इस पार्क को बना रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो और भी 15 लाख रुपए इसमें खर्च करके इसको सुंदर सा हम लोग पार्क बनाएंगे और इसके साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से हमने 22 मार्च को बात किया था कि आज जो ये खास महल से लेकर जो गदड़ा तक का जो रोड है वो बहुत जर्जर स्थिति में है तो ये पार्क के साथ साथ ये रोड भी खास महल से बनते हुए चले जाएगा तो सुंदरता और बढ़ जाएगी और आगे भी हम लोग इस क्षेत्र का विकास करेंगे। इस पार्क में छठ घाट और ओपन जिम की भी मांग चल रही है, क्या अभी बनाया जाएगा क्या इसमें? हाँ, उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। छठ घाट तो एकदम जरूरी है। अभी हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में 4-4 छठ घाट भी बनाए हैं और 6 जो है 3 शिव मंदिर है, 2 बजरंगबली मंदिर है, 1 काली मंदिर है, ये भी हमने बनाने का काम किया है। तो छठ घाट हमारे छोटे भाई मानिक मलिक जी का विचार है कि यहाँ पार्क भी होना चाहिए तो हम लोग पार्क भी बनाए। कब तक लोगों को इस पार्क का सौगात मिल जाएगा? अभी तो हम लोग पार्क का काम चालू करेंगे, अब आप लोग भी देखेंगे, समय तो लगता है बनाने में। किस विभाग के द्वारा बन रहा है? ये जनता का फंड से बन रहा है, जनता को ही हम लोग समर्पित करेंगे बनाने।